अभी तक मार्वल यूनिवर्स में हमें काफी पावरफुल वेपन्स दिखाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने यूजर को ही करप्ट कर देते हैं। और इन वेपन्स के इंट्रोडक्शन के साथ ही इनकी काफी फैन थ्योरीज भी हमारे सामने आती रहती हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर थ्योरी जिसे मार्वल फैंस जानना चाहते हैं वो नेक्रोस्वॉर्ड और स्टॉर्म ब्रेकर का कंपैरिजन है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं दोनों वेपन्स की पावर्स का कंपैरिजन लेके आए हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एंड में कंक्लूड करेंगे कि कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल और ब्रूटल है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सबसे पहले हम बात नेक्रोस्वॉर्ड की करेंगे, और नेक्रोस्वॉर्ड पर बात करने से पहले हमें उसके ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी है। तो ऑल ब्लैक नेक्रोस्वॉर्ड की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि जब सेलेस्टियल्स यूनिवर्स क्रिएट करने निकले थे तब उन्होंने ब्लैक रूलर और किंग नल को अपसेट कर दिया था। सेलेस्टियल्स एक डार्क प्लेस पर यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उस डार्क प्लेस का किंग नल उस लाइट ऑफ लाइफ को अपोज कर रहा था, जिसकी वजह से सेलेस्टियल्स और नल में लड़ाई हो जाती है। और सेलेस्टियल्स की पावर्स को मैच करने के लिए नल एक स्वॉर्ड को फोर्स करता है उसी डार्क वर्ल्ड से, जो अपने वील्डर के नेगेटिव इमोशंस को एनहांस कर देती है। नेक्रोस्वॉर्ड को कास्ट करने का पर्पस सेलेस्टियल को मारना था। गॉड ऑफ सिम्बियोट नल एक डेड सेलेस्टियल के सर का इस्तेमाल करता है नेक्रोस्वॉर्ड को पावरफुल करने के लिए, और वो उस मरे हुए सेलेस्टियल के सर को एक फोर्ज बना देता है। ये गॉड स्लेयर वेपन इतना पावरफुल है कि ये गॉड्स और सेलेस्टियल्स को इजीली मार सकता है। नेक्रोस्वॉर्ड को वील्ड करने वाले के अंदर ऑल ब्लैक की स्ट्रेंथ और उसकी इविल मर्डरस विल पावर आ जाती है। नेक्रोस्वॉर्ड अपने यूजर को फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन उस अपार शक्ति के साथ नेक्रोस्वॉर्ड अपने यूजर को उस मैडनेस की हद तक करप्ट कर देता है जहां उसे ये भी समझ नहीं आता है कि वो सही कर रहा है या गलत। गौर द गॉड बुचर नेक्रोस्वॉर्ड को वील्ड करने के बाद बहुत पावरफुल हो गया था। उसका गुस्सा उसके रेज में कन्वर्ट हो गया था और उसकी मैडनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने एक गॉड बॉम्ब ही बना दिया था सारे गॉड्स को एक साथ वाइप आउट करने के लिए। लेकिन समय रहते थॉर की वजह से गौर द गॉड बुचर उस बॉम्ब को इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वैसे ये सीक्वेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे हमने गौर द गॉड बुचर की सीरीज में कवर किया है, और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो हम इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब रही बात नेक्रोस्वॉर्ड की, तो नेक्रोस्वॉर्ड डेफिनेटली वर्ल्ड के पावरफुल वेपन्स में से एक मानी गई है। वैसे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्रोस्वॉर्ड के बारे में, जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं सिम्बियोट गॉड नल और गौर द गॉड बुचर के बाद भी नेक्रोस्वॉर्ड के अलग अलग यूजर्स रहे हैं जिन्होंने इसकी पावर को इस्तेमाल करके वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। चलिए जल्दी से उन यूजर्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि ये किस्सा भी गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन से जुड़ा हुआ है। जब थॉर गौर द गॉड बुचर को हरा देता है तो उसके बाद थॉर नेक्रोस्वॉर्ड को इस इंटेंशन से ब्लैक होल में फेंक देता है कि कोई और गौर की तरह उससे करप्ट होके इतना बड़ा जेनोसाइड ना कर पाए। लेकिन उस ब्लैक होल से होते हुए वो नेक्रोस्वॉर्ड गैलेक्टस के पास पहुंच जाती है। इसको वील्ड करने के बाद गैलेक्टस बन जाता है बुचर ऑफ द वर्ल्ड्स। लेकिन गैलेक्टस भी नेक्रोस्वॉर्ड की पावर्स को ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके बाद ये नेक्रोस्वॉर्ड चली जाती है लोकी के पास, जो इसे वील्ड करने के बाद बन जाता है ऑल बुचर। और लोकी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो कितना बड़ा मस्खरा है, और अगर लोकी जैसे मस्करे के हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन होना तो तबाही किस लेवल की होने वाली है हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब नेक्रोस्वॉर्ड की पावर्स और उसके वील्डर के बाद हम बात करते हैं स्टॉर्म ब्रेकर की, जिसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले सीक्वेंस में थॉर खुद फोर्ज करता है ड्वार्फ की मदद से। म्योलनीर की तरह ही स्टॉर्म ब्रेकर भी एसगार्ड के सबसे पावरफुल मेटल उरु से बना है, जिसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है उससे लड़ने के लिए निडावेलर में फोर्ज किया गया था। स्टॉर्म ब्रेकर के एक ही वार से थॉर ने थैनोस जैसे सुपर विलन की गर्दन भी धड़ से अलग कर दी थी। स्टॉर्म ब्रेकर लाइटनिंग पावर्स को समन करता है, जो अपने यूजर को हीलिंग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उरु मेटल की मदद से स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर का भी सामना इजिली कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर को अक्रॉस द यूनिवर्स टेलीपोर्ट होने की पावर भी प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी जो स्टॉर्म ब्रेकर को वील्ड करता है बायफ्रेस को समन कर सकता है। अब अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो स्टॉर्म ब्रेकर के हमें दो अलग अलग ओरिजिन देखने को मिले हैं, जिसमें अगर स्पेसिफिकली कॉमिक्स की बात की जाए तो कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर के लिए ना बना के बीटा रे बिल के लिए फोर्ज किया गया था, जिसे आई
गायत्री ने बनाया था ओडिन के कहने पर। अब रही बात इन दोनों वेपन्स की ग्रेटनेस की, तो मेरे हिसाब से ये दोनों वेपन अलग अलग लेवल्स पर पावरफुल है, जो काबिलियत रखते हैं गॉड लेवल थ्रेट्स को भी इजीली हराने की। इसीलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल होगा, पर कंक्लूड करने के लिए हमें एक वेपन को चुनना बहुत जरूरी है, जो कि नेक्रोसवॉर्ड है। नेक्रोसवॉर्ड ने सेलेस्टियल तक को इजीली मार दिया था, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर ये काबिलियत है या नहीं, ये हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। इसीलिए अभी तो नेक्रोसवॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल मानी गई है। अब देखना ये होगा कि थॉर 11 थंडर में थॉर गॉर द गॉड बुचर को, जो कि नेक्रोसवॉर्ड को वील्ड कर रहा है, उसे कैसे हराता है। जिसे जानने के लिए आपको थॉर 11 थंडर देखनी होगी, जो कि आ रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में 7 जुलाई को। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।